नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप न जाने कितने समय से देख रहे हैं कि लगातार लोग डेरा सच्चा सौदा में बाबा राम रहीम जी के डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी उनकी आस्था वैसे की वैसे बरकरार है? तो हम जानते हैं उन लोगों से कि आखिर क्या है बाबा राम रहीम जी में जो वो अब तक डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? ममता, ममता इंसान। कहाँ से आई हैं आप? खुइयां मलकाना ब्लॉक डब वाली। मैडम, आपने भी बहुत कुछ देखा बीते समय में, जो कुछ भी हुआ बाबा राम रहीम जी के साथ, आप लोगों के साथ, उस बारे में आप क्या कहेंगी? मुझे तो सब कुछ झूठ लगता है। मैं तो बाबा जी पर कल भी श्रद्धा रखती थी, आज भी रखती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है उन पर। चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे, ना तो हम पीछे हटें और ना ही हटेंगे। मैडम, मीडिया ने बहुत कुछ कहा, बहुत से सवाल उठाए गए कि यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आप खुद एक महिला हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? हम ऐसे मीडिया के बारे में ना सुनना चाहते हैं, ना उन्हें देखना चाहते हैं। और हम तो प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करते हैं कि ऐसे मीडिया को बंद कर दिया जाए जो संतों महात्माओं को भी जेलों में डालते हैं और अपराधी लोग बाहर फिर रहे हैं। क्या इतना कुछ जो बोला गया डेरा सच्चा सौदा व बाबा राम रहीम जी के बारे में, क्या आपने कुछ भी वैसा होते हुए यहाँ देखा? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं देखा। मैंने तो पिताजी में अपनी माता पिता सब कुछ देखा है। मुझे तो सभी रिश्ते भी उनमें दिखते हैं। मुझे कुछ विश्वास नहीं है लोगों पे। मैं आती हूँ, आती रहूँगी और हमेशा ही आती रहूँगी। मैडम, कितने साल हो गए आपको डेरे में आते हुए, और क्या ये अंधविश्वास नहीं कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद आप लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं? ये अंधविश्वास नहीं है, ये हमारी श्रद्धा है। और जो जैसे जैसे आज भी हम सिमरन करते हैं, सिमरन से इतनी खुशियाँ मिल रही हैं, इतनी खुशियाँ मिल रही हैं कि कह नहीं सकते हम। तो जो लोग डेरा सच्चा सौदा में नहीं आते, बाबा राम रहीम जी को नहीं जानते, उन्होंने सिर्फ मीडिया के थ्रू ही बाबा जी को जाना है, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही संदेश दूंगी कि मीडिया के कहने पर आप मत आइए, आप यहाँ डेरा सच्चा सौदा में आइए। जो पहले था आज भी वैसा ही है सब कुछ, और पिताजी पर श्रद्धा रखिए, यहाँ कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। मैडम, आप अंदर जा रही हैं, क्या अभी भी लोग वैसे ही आते हैं या लोगों ने आना छोड़ दिया है? नहीं, वैसे मेरे को तो लगता है बढ़ चढ़ के आते हैं। हमारे खुइयां मलकाना में कल ब्लॉक की नाम चर्चा थी, इतनी संगत थी, इतनी संगत थी, मुझे लगा ही नहीं कि कोई एक प्रेमी भी टूटा है। इतना प्रेम है लोगों में आज भी, कुछ नहीं बदला। मैं तो जो संगत नहीं आ रही उनसे अनुरोध करती हूँ कि आए डेरे, देखें कितनी संगत आ रही है। तो ये थे हमारे साथ वो लोग जो ना जाने कितने वर्षों से डेरा में आ रहे हैं, और उनका ये साफ साफ कहना है कि ना उन्होंने कभी कुछ डेरे में गलत देखा, ना उनके साथ कभी कुछ गलत हुआ, और जैसे लोग पहले आते थे डेरा सच्चा सौदा में वैसे ही जो कि तो आज भी आ रहे हैं। तो ये भी कहना चाहते हैं कि मीडिया जो लोगों को भरमा रही है उनसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो लोग नहीं आ रहे हैं वो खुद आकर पहले देखें कि डेरा सच्चा सौदा में क्या हो रहा है। हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल द फैक्ट टाइम। हम आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाते रहेंगे जो ना अब तक बाबा जी के दरबार में आ रहे हैं। धन्यवाद।